एंट्री यार और दिल में बजी घंटी यार। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद, मेरे साथ है प्रशांत। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आजकल बिग बॉस 13 के घर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि प्रशांत आसिम रियाज जो है उनके दिल में लव की घंटी बजने लगी, और वो किसके लिए? हिमांशी खुराना के लिए। वहीं प्रशांत, देखा जाए तो आजकल आसिम रियाज जो है वो जागते उठते खाते पीते सिर्फ एक ही लड़की का नाम ले रहे हैं, वो है हिमांशी। तो इस पे पूरी जो बात है वो ये है कि फैंस भी इन दोनों की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। हाँ, मतलब भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तुमने जैसे बताया कि फैंस भी इनको काफ़ी पसंद करें, अब भी इनकी लव स्टोरी थोड़ी चालू हुई है। ऐसा नहीं है कि हिमांशी की तरफ से भी देखने को मिल रही है, आसिम की तरफ से लग रहा है कि वो दिन रात सोते जाते उठते बैठते हर जगह सिर्फ हिमांशी उनके ख्यालों में आ रही है, लेकिन हिमांशी की तरफ से अभी सिर्फ दोस्ती ही दिख रही है। लेकिन फैंस तो फैंस हैं, साथ में इनको देखना चाहते हैं। तो ट्विटर पर बाढ़ आ गई है ट्वीट्स की इन दोनों को साथ में देखने की। तो मैं कुछ ट्वीट्स हैं वो तुम्हें बताना चाहूँगा। एक ट्वीट है, आसिम विल प्रोटेक्ट हिमांशी फ्रॉम भालू, मेरे आसिमांशी। वहीं एक और ट्वीट है, मैं जनता को बता दूं, एक ट्वीट एक बंदे ने लिखा है लव यू माय आसिम हिमांशी, एक ने लिखा है आई लव योर कपल, वहीं एक ने लिखा है लव टू सी देम टुगेदर। तो मतलब इन शॉर्ट बात यह है कि आसिम और जो हिमांशी खुराना है उसकी जोड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं। एज सच अभी कुछ हिमांशी का दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ उनको फ्रेंड मानती है, लेकिन जहां आसिम की बात की जाए प्रशांत, तो वो काफी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं हिमांशी को लेकर। एक चीज मैंने भी देखी है कि जब शेफाली जरीवाला है वो हिमांशी जो है वो उनको बताती है, शेफाली जरीवाला उनको बोलती है वो तेरे को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, तो फिर बात हिमांशी आसिम को जाकर के बताती है, तो आसिम बोलते भी है कि ना मिले हिंदुस्तानी भाऊ, ना मिले शेफाली, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ तेल पे ट्रस्ट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो हिमांशी को अच्छा भी लगता है, लेकिन इसके अलावा हिमांशी को कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि शायद आसिम मेरे साथ गेम भी खेल रहा है। वो बोलती भी है इस बात को, तू मेरे साथ तो गेम नहीं खेल रहा है। हाँ। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुझे खुद पता चल जाएगा। हाँ। वो और मैं तेरे साथ गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं सिर्फ तेरे पे सपोर्ट, तेरे को तेरे पे यकीन करता हूँ, तेरे पे विश्वास करता हूँ। तो इनके बीच में मुझे लगता है धीरे धीरे अब अगर हिमांशी की तरफ से भी लव एंगल थोड़ा सा देखने को मिले तो शायद दोनों के बीच में, मतलब इस सीजन में एक हमें कपल शायद फिर देखने को मिले जाएगा, क्योंकि अभी तक के जितने भी सीजन आए हैं, गौहर खान को शाल टंडन हो, लोगों की प्यारी सी क्यूट सी केमिस्ट्री देखने को मिलती है बिग बॉस 13 के घर में, उसके बाद बाहर जाके भी उनके अफेयर्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए हिमांशी की, तो हिमांशी पहले से एक लॉन्ग टर्म अपना एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में है, उन्होंने खुद इस बात को बताया है बिग बॉस 13 में ही कि वो काफी टाइम से रिलेशनशिप में है। तो मुझे मतलब देखा जाए तो फ्रेंडशिप की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कि ये जो सीजन शुरू हुआ है इसमें हमें लग रहा था कहीं ना कहीं कि जब रहान खान की एंट्री हुई थी तो रश्मि के साथ उनका एक लव एंगल देखने को मिलता, उन्होंने बाहर एविक्ट होने के बाद बोला भी कि मैं उनको प्रपोज करता, लेकिन अभी तक कोई नहीं दिखा। लेकिन अब हिमांशी और आसिम को देखकर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है बिल्कुल आसिम जल्द ही प्रपोज कर सकते हैं हिमांशी। इवन शेफाली जरीवाला ने भी कहा था अरे कब बताएगा तो अपने दिल की बात, टेल हर ना कि तू उसे लाइक करता है, वो खुद कहते हैं कि वो लाइक करते हैं लेकिन लव की अभी कहीं बात नहीं आई है। वही एक और बात है प्रशांत की, सिड नास करके कुछ समय पहले ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज का जो क्यूट सी केमिस्ट्री देखने को लोगों को मिल रही थी वो ट्रेंड कर रही थी, सिडनास करके लोग हैशटैग करके उसको सोशल मीडिया पर एक काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। वहीं अब जो ट्रेंड कर रहा है वो है आसिम हिमांशी करके लोग ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं दोनों का, और लोग उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि हमें बहुत प्यारा कपल लग रहा है, हम चाहते हैं कि आसिम जल्द से जल्द हिमांशी को प्रपोज कर दें। मुझे भी यही थोड़ी सी सोच करके हैरानी है कि वाकई में कपल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तुमने भी बताया कि जो हिमांशी है उनका काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बाहर है, अब स्टार्टिंग में आसिम को बोल भी चुकी है मेरे साथ फ्लर्ट मत करो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद दोनों गेम के लिए भी कर रहे हैं, तो वो पहले ही बोल चुकी है कि मेरा रिलेशनशिप है, और आसिम की तरफ से अभी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद गेम के लिए हिमांशी भी थोड़ा लव एंगल दिखाएं। तो एक जोड़ी तो सीजन 13 की लव एंगल वाली हमें फाइनली देखने को मिल सकती है। वेल गाइस, आज हमने बात करी है हिमांशी खुराना और आसिम की, आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और बिग बॉस का अड्डा भी जरूर देखिए। ब्रीफ हमको जो दिया गया वो था यंग वाइब्रेंट यूथ को बुलाना था हमें टीवी पर वापस, तो इसलिए था कि एक कलरफुल हाउस बनाते हैं जो फैंटास्टिकली जंप करे हर वॉल से बाहर, लेकिन करते करते हमें ये पता चला कि हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हम पेंटिंग्स बना रहे थे, बिग ह्यूज पेंटिंग्स, बट पेंटिंग नॉर्मल पेंटिंग्स बोरिंग होते हैं, तो क्या कर सकते हैं, लेट्स टेक द पेंटिंग्स आउट फ्रॉम द पेंटिंग, तो हर चीज़ जट आउट हो रही थी। तो करते करते हमें पता चला कि इतने इंस्टॉलेशंस है तो इट लुक्स लाइक अ म्यूजियम, सो व्हाई नॉट मेक इट अ म्यूजियम।
तो ये आ गया था वेलकम टू बीबी म्यूजियम, दैट्स द थीम ऑफ द प्लेस। फिल्म सिटी अब शिफ्ट हो गया तो इजी है या फिर कुछ चेंजेस हैं या फिर अच्छे हैं या बुरे हैं? सो अच्छा बुरा तो मतलब हर जगह का होगा, बट येस हम लोग ये करना चाहते थे कुछ सालों से बिकॉज द टीम कम्स क्लोजर बैक टू देयर फैमिली ऑल्सो एज वेल, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम बॉम्बे। दिस ईयर जो फैक्टर्स सारे थे उसमें वो आ गए, सो वी कुड डू इट। इट वॉज अ टफ एक्सरसाइज, द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन टीम हैव स्ट्रगल्ड 6 months, दे पुट टुगेदर द मराठी हाउस पैरेलली पुट टुगेदर दिस हाउस, द रेन्स हैवंट हेल्प, सो लॉट ऑफ स्टफ एंड एफर्ट वेंट इन टू ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। So full kudos to the team there. Among how many days did it take to build this set? Generally it takes 60 days. So 45 to 60 days is what we are planning. Yes, but like, as he said, the rains were huge this time to get it done. You know, still we couldn't complete the garden because itna time laga tha, barish bahar aa rahi. So yes, but finally, you know, Lonavala ho, Mumbai ho, doesn't make you know any difference because once you're in it, you don't know what outside world is. So that's what it is. Lonavala se Mumbai aa gaye. The usage of mirrors is like Umang. The usage of mirrors is like very much common right from the very first season. So is there a conscious decision of using the mirrors, or it's just there for? I mean, to kind of. So this is part of the technical aspect because you have cameras behind them also. Okay. So the mirrors are one-way mirrors. They're not mirrors. They're one-way mirrors only, and therefore there's a camera gully that goes all around the house. Achha. There's also for close-up and all that. So it's more a technical reason. Okay. And among the bathroom has shifted to this side, the other side this time. Tell us more about that. It's basically reshifting, you know, and changing the orientation of the house that makes it more fun. Not that the previous season people come over here and stay, so everything is new for them as it is when they come. It's just that when we start you know designing and conceptualizing ke kaun sa camera angle zyada milega hame, to us hisab se when we finally sit with the creative team, this is the maximum area that we get, we should get from the kitchen exact you know view to the bedroom because wahan se somebody is going to point out acha wo aaj khana bana rahi hai, so that maza karne ke liye we were not getting it, so that's why first the bathroom was here, so we shifted it there to get the access over there for the bedroom. Which is your favorite part of the house? Oh, every wall. I mean I can't say which is more crazier than one highlight if you had to pick up the highlight. Basically is that wall, who are you, I mean it's the biggest painting wall, painted wall that we have done. It's which animal are you, you know, and that what everyone asks. Main to ek sher hu, you know, it's like, you know, gidar hai ye, saap hai piche se, so that's the backbiting bit comes from there. And when you are finished with the house, you finish with talking to each other, that's when the walls talk to you, and that's when we come in. It's like pehle to ha beautiful, beautiful sense nahi banta, baad mein dheere dheere what we've put in, that starts making sense. There are words over here. Generally we don't do words, okay? Yeah. I've been told never to do words. Agar words honge to Hindi mein honge, this that. So I said why not, let's try this time. So that's what you will start asking questions when you're reading this. This is me, upar laga hua hai chessboard, okay? Chessboard is like, you know, abhi meri chaal kaun si hai, main raja hu, rani hu, ya small soldier just maat de dega. Karma wall is my thing, like, you know, dear karma, these are the people who you missed, please do something about it. That's all. And Abhishek, in all celebrity season, section to design, yeah, there's nothing too as difficult, like I was telling him also, the most fun I have throughout the year designing is Big Boss house because it's full freedom, you can do whatever you want. And plus, yes, later on somebody will say ye wall nahi acha lag raha, okay, isme kya kare. So I said, yaar, baad mein acha lagega, don't worry, let Vanita come in and she puts in her stuff, then suddenly the empty wall becomes beautiful. But yes, we were trying a lot, like what should the kitchen be, okay? It's not difficult, yet we knew that we would have lots of plates on it, but because the whole house is colorful, do we make that colorful or we give them a break? So that's how the whole wall became white. Why? Because the colors will come out from the contestants itself, and that's why. And that, if you can see those two chandeliers which are there, which is exploding, that's the place with the maximum of explosion that happened, is the kitchen. That's how we done. So this time we are going to see new launch metro station. Is this something related to the old Big Boss, the task or something like this? Or we are not going to see this time jail also. So that part will come out in that press conference. So jail and all ka, the thing is that we also want to mix up things. So every year if you give the same layout, it's like saying ki ye matlab
कोई बिल्डर का मैप आता है वैसे नहीं है. अब उसमें चेंजेस करोगे सो दैट देयर इज अ सरप्राइज फैक्टर फॉर द कंटेस्टेंट्स कमिंग इन, दैट्स मोर रिफ्रेशिंग फॉर द व्यूअर टू वॉच. सो इवेंचुअली ये पूरा उस पर डिपेंडेंट है. सो दैट्स व्हाई वी वांट टू चेंज थिंग्स अप, वी डोंट वांट टू कीप इट वेरी वैनिला एवरी टाइम. And since it's all celebrity season, Umang, did was that also in your mind when you were designing the house? I have no idea who are coming in. Because it's an no, all nothing like that. Nothing like that. At the design time, though, I don't think even the cast was. Yeah, even the cast. Like most people were met also.